भाई का हमारे चैनल है, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें। यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं, और किस में कितना जहर है हमको है मालूम। नाजिला जो है वो घसीटे रहती है, वो बेचारी सफाइयां देती रहती है, उसकी भी शादी होनी है। जो है ना भाई, इतने धड़ाधड़ गंदे वोट्स करते हैं ना ये लोग। मैंने मुनव्वर भाई की जिस दिन स्टोरी डाली उस दिन मुझे कम से कम 15-20 हजार मैसेज ना। अभी लकी मतलब कोई इंसान है तो वो है मुनव्वर भाई। छोटे मियां बड़े मियां बना देते एकदम कल तक छोड़ के लाला। यस भाई का डायलॉग हिट हो गया। मैं स्वर्ग का नौकर बनने से अच्छा नरक का राजा बनना पसंद करूं। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो लॉकअप सीजन 1 कोई भूल नहीं पाएगा, और बिग बॉस 17 के अंदर भी कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो लॉकअप सीजन 1 के अंदर मनोज फारूकी के साथ थे, तो एक अच्छी खासी फ्रेंडशिप भी दिखी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बिग बॉस 17 को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और उनके इंस्टा स्टोरी काफी वायरल हो रही है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शिवम शर्मा बूम बाम की, जो लॉकअप के अंदर फाइनलिस्ट तो बने ही और अपने नाम का डंका भी बजाया, और जिनकी पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया थी कि अब बिग बॉस के चाहने वाले फैंस भी चाहते हैं कि ये कब बनेंगे रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा। तो जानते हैं उन्हीं से और उनका स्वागत करते हैं YouTube चैनल अनवर रंगरेश पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवम शर्मा जी। नमस्कार भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाईजान आप? सब बढ़िया? हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, बिल्कुल बढ़िया। पहले तो मैं आपको माफी मांगना चाहूंगा आपसे यार, आपके वो मैसेज आया हुआ था इतना, तो मैंने कहा चलो एक बार सॉरी कि मैं आपके वो उस वक्त रिप्लाई नहीं कर पाया आपको मैं। अब हमारी मुलाकात हो गई है तो अब वो माफ करते हैं आगे। बूम बाम बहुत अच्छा है, लॉकअप के अंदर काफी प्यार मिला, और जिस हिसाब से आपकी गेम थी और शायरियां तो जो मनोहर फारूकी के बाद आपकी भी काफी कुछ थी, और जिसके अंदर हमने देखा था कि काफी आपने भी समा बांधा। तो सबसे पहले पूछना चाहूंगा लॉकअप सीजन 1 के बाद से आप कहां बिजी होंगे, और सबसे पहले आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच भाईजान। अब लॉकअप के बाद मैं गायब नहीं हुआ, एक्चुअली मेरी कुछ चीजें भी प्लान आउट की थी मैंने, पर वो अकॉर्डिंगली हुई नहीं। मुझे अच्छे अच्छे ऑफर्स थे पर कोई कहीं पे बजट का इशू हो रहा था, कभी कुछ कहीं पे कुछ इशू हो रहा था, तो मुझे जो रोल मुझे चाहिए था एज एन एक्टर, क्या कहते हैं ना, जैसे शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग है कि मैं स्वर्ग का नौकर बनने से अच्छा नरक का राजा बनना पसंद करूंगा, तो मैं छोटे छोटे शो करके वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। मेरा अपना खुद का फैमिली बिजनेस भी है, पापा के साथ हमारा प्रिंटिंग का काम है नारायणा में, तो उनके साथ ही हूँ मैं, और शादी हो गई है भोले बाबा की कृपा से, एक अच्छी लड़की मिली है मुझे, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। अब चीजें मतलब कहते हैं ना कि शादी के बाद तारे भी चेंज होते हैं, तो मैं बस उसी गुड लक चार्म के साथ चल रहा हूँ। फैंस के काफी मैसेज आए हैं और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि किसी रियलिटी शो और बिग बॉस का काफी वो जिक्र करते हैं, क्या बूम बाम दिख पाएंगे हमें किसी रियलिटी शो और वो भी बिग बॉस? ये मुझे नहीं पता भाई, अभी मैं ऐसा कुछ, हाँ सपने हैं वो, मैं बिल्कुल खुली आंखों से सपने देखे मैंने, और अब वो कब मौके मिलेगा मुझे बिग बॉस के घर में जाने का वो तो वक्त ही बताएगा भाई। अभी ऐसा कुछ प्लान भी नहीं है, क्योंकि तो मुझे लगता नहीं अभी तो खत्म हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है नया सीजन आने में, तो तब तक कुछ चीजें चल रही है पाइपलाइन में है। शादी के बाद मैं अपने बिजनेस को थोड़ा सा फ्लरिश कर रहा हूँ, नए नए कुछ नया शुरुआत कर रहा हूँ स्टार्टअप, तो देख रहे हैं बाकी। चलो देख तो रहे हैं। तो बिग बॉस 17 काफी फॉलो कर रहे हैं, काफी रील्स आपकी वायरल हो रही है, और काफी डीपली कुछ कंटेस्टेंट के लिए भी आपके कुछ थे इंस्टा पे मैसेज, वो काफी वायरल हुए हैं, तो फॉलो कर रहे हैं आप बिग बॉस 17 अच्छे से? बिल्कुल अच्छे से तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में देखा था, फिर मैंने बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया, मेरी शादी आ गई थी तो मैं थोड़ा सा बिजी रहा उन सब चक्रों में। एक 1.5 महीना हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं मेरी शादी को, तो मैं तब देख नहीं पाया बीच में किसी वजह से, और बाकी अब मैंने पूरा देखा है पिछले जो 15 दिन से जो भी चल रहा है, जो आयशा आई है जब से, उनसे पहले से मैं थोड़ा सा देखना शुरू किया, अब मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, तो एक हफ्ता रह गया, अब तो शो खत्म ही होने वाला है, तो वो धूम तो मचा चुके हैं, तो इस पे भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले चिंटू शब्द काफी सुना गया है, तो चिंटू के लिए जिस हिसाब से आपने कुछ चीजें कही थी और एक कंटेस्टेंट से वो अब तो इविक्ट हो गए हैं, तो उनकी गेम को लेके आप लग रहा था कि आपको इतना बेटर उनकी गेम नहीं लगी, तो क्या था मन में जो एकदम से स्टोरी दोबारा? ऐसी बात नहीं है, चिंटू बंदा ना फनी बहुत है, वो जो की जेन्युइन बात है, वो मेरे को कभी कभी तो फनी लगता ही है, उसकी हरकतें कुछ वो करता है उल्टी सीधी तो फनी लगता है, पर वो अब मुनव्वर भाई से हमारी मोहब्बत ही ऐसी है, तो मैंने कहा कि जो भी है भाई भाई ने बोल दिया ना बोल दिया, भाई ने करने का तो करने का, बस वही चीज है अपनी। अब वो भाई का दुश्मन अपना दुश्मन, वो चीज है, मतलब तो दुश्मन भी क्या यार, रोज उनका शो है खत्म हो जाएगा, हमारा दुश्मन इन द सेंस जो जिसको हम प्यार करते हैं, मतलब टीवी में ज्यादा पसंद कर रहे हैं वो मुनव्वर भाई है, और जो भाई को नहीं पसंद जिसकी भाई से भिड़ंत है वो हमें भी नापसंद है, बस ये मेरा सार है। तो मतलब आप भी उसी का एक जुड़ रहे हो जो वो कहते हैं कि टनल तक तो छोड़ के आऊंगा, तो मतलब आप टनल तक छोड़ के लाला। यस भाई का डायलॉग हिट हो गया,
और वो लॉकअप में भी उनके अलग अलग जो उन्होंने पंच लाइन्स मारी थी इसलिए वो हिट हुए थे। और उन्होंने अब पिछली बार तो हम भी अंदर थे तो हम लोग देख नहीं पा रहे थे, बाहर से मुनव्वर भाई जो शॉट मारते हैं ना वो हकीकत में बहुत मजा आता देखने में। वो जो अब विकी भाई भी शायद उनकी जो लड़ाई हुई है कल के एपिसोड में, वो गिरने अभी मुनव्वर भाई गिरे थे तो उन्होंने उनको भी बोला है कि टनल तक छोड़ के आऊंगा तेरे को। पर विकी भाई अपने भी दोस्त है, अपना भी प्यार मोहब्बत है उनसे, और अंकिता भाभी हमारी है, अच्छा खेल रहे हैं, गेम प्ले सबका अच्छा है, और बाकी दिल से चाहते हैं कि मुनव्वर भाई जीते और गेम प्ले भी अच्छा है, वो तो जीत ही जाएंगे। बाकी जो तुम्हारी जनता है, मुनव्वर की जनता जो है ना भाई, इतने धड़ाधड़ गंदे वोट्स करते हैं ना ये लोग। मैंने मुनव्वर भाई की जिस दिन स्टोरी डाली उस दिन मुझे कम से कम 15-20 हज़ार मैसेज आ गए। मैंने कहा यार मतलब, और मैं हकीकत में मैं आई वाज शॉक्ड कि मैं मतलब शॉक भी क्या, मतलब लोग इतना प्यार कर रहे हैं बंदे को यार, इतना भी लकी मतलब कोई इंसान है तो वो है मुनव्वर भाई। इतने लोगों का प्यार होना यार तहे दिल से, लोग चाहते हैं कि एक मतलब स्टोरी डालने पे मुझे इतना प्यार मिल गया, तो सोचो मुनव्वर भाई को कितना प्यार करते होंगे, कितना प्यार करते होंगे। लॉकअप सीजन वन के अंदर हमने देखा है कि आपके काफी अच्छी मूवमेंट देखे मनोहर फारूकी के साथ, थाली पीटना हो या आपका सर पे कपड़ा बांध के बिल्कुल वहां पे, हाँ तो वो कुछ मूवमेंट बताएं आपको, कुछ यादगार मूवमेंट लॉकअप सीजन वन के मनोहर फारूकी के साथ। तब वो पायल रोहतगी जी थी वहां पे ना, तो वो उनकी बहन उनसे लड़ते थे हम लोग, क्योंकि वो कब उन्होंने मेरे पर पानी भी फेंका था भाई रात का टाइम में, अब हम तुम दूर से बातें करो ना, तो पायल जी ने मुझ पर पानी फेंक दिया था। तो मैंने कहा इनका मुनव्वर फारूकी अब इस औरत का जीना हराम कर देना हमने लॉकअप में। तो अगले दिन ही उसी रात को ही हम लोग शुरू हो गए, वो ढोल ताशे लेके बर्तन लेके लॉकअप में जैसे कैदी रहते हैं बिल्कुल वैसे अंदाज में। हमने कहा भाई इसको छोटे मियाँ बड़े मियाँ बना देते, एकदम जो जेल का सीन था उसमें वो डोंगा लेके पीट रहे होते हैं, तो वैसे एक सीन क्रिएट किया था। फिर वो डांस भी करना शुरू कर दिया मुनव्वर ने, तो मजा आया। वो भी एक मेमोरी है यार, लॉकअप की जो मेमोरीज है वो बहुत डिफरेंट, एक होता ना कि हाई एक्सट्रीम लेवल का वो जो जेल का जो सिनारियो है, जो जेल है वो, उसकी फील भी ली हुई है हमने। और वो तो मनोहर भाई तो हकीकत में भी लेके आए हुए हैं, तो वो ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे। पर बढ़िया बिल्कुल, शायरी बहुत आपकी वायरल हो रही है और अभी काफी चीजें निकल के आ रही है 17 में भी हम देख रहे हैं बिग बॉस 17 के अंदर, तो एक शायरी आपकी काफी वायरल है, मैं आप ही से सुनना चाहूंगा, और आपने भी रील्स देखी होगी इंस्टा पे के सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले, तो एक हो जाए आप ही के अंदर। वो ये था कि मतलब के है यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं, और किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। वो ऐसे क्या बात है, उस पे तब अंजलि के साथ इनकी शायद लड़ाई हुई थी कोई, तो तब की बात है, तब मैंने ये शायरी बोली थी। बहुत वायरल हो रही है वो शायरी अभी, कि ये क्या मतलब आपको भी लग रहा है कि बिग बॉस 17 की ट्रॉफी जा रही है डूंगरी? भाई 99.9% तो जा रही है, अब बाकी ऊपर से अगर जैसे मनारा चोपड़ा भी है, अगर इंटरनेशनल कॉल आ गया प्रियंका चोपड़ा का भाई बाहर से, तो ट्रॉफी मनारा को भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अब बाकी गेम प्ले के हिसाब से या वोटिंग के हिसाब से अगर जनता जीतती है तो वो मुनव्वर फारूकी को साफ साफ है। गूगल पे भी अब अगर आप डालोगे ना गूगल पे लाइव वोटिंग ऑफ बिग बॉस 17, तो उसमें मुनव्वर भाई नंबर 1 पे चल रहे हैं स्टार्टिंग से ही। पर अगर जैसे कि पुराने बिग बॉसेस का इतिहास भी रहा है कि कोई और जीतता है, वोटिंग किसी और को होती है, कुछ भी कपला करके कोई और जीत जाता है, वैसा प्रोसेस ना हो तो कुछ नहीं पता कि मनारा को भी देते हैं ट्रॉफी, यू नेवर नो, अगर फोन कॉल आ गया बाहर से। आपकी दोस्ती और मनोहर फारूकी की तो दोस्ती पे काफी प्यार मिला था, लेकिन आप अभिषेक और मनोहर फारूकी की दोस्ती पे क्या कहेंगे? कुछ वैसा ही मिल रहा है जो लॉकअप में आपका और मनोहर फारूकी का था? किसका? अभिषेक और मनोहर? अभिषेक, हाँ अभिषेक और मनोहर फारूकी की फ्रेंडशिप। यार अभी क्या मुझे ये इनका तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे लास्ट सीजन में एमसी स्टैन का और शिव ठाकरे का जोन बन गया था, वैसे ही एंड में आते आते इन दोनों ने बना लिया है। स्टार्टिंग में लड़ते रहे हैं, बीच में भी लड़ते रहे हैं, बॉन्ड अच्छा है कि नहीं है वो, गेम दोनों ही प्लेयर अच्छे हैं, गेम प्लेयर लग रहे हैं मुझे तो। मुझे लग रहा है नंबर 1 मुनव्वर भाई बनेंगे और सेकंड फर्स्ट रनर अप ये अभिषेक बनेगा, जो मुझे दिखता है। और अगर हाँ अगर अभी क्या फिलहाल जैसे 4 लोग टॉप 4 में आ चुके हैं, और विक्की भाई अभी इस तरफ भले बी टीम बी जो थी वो अभी डिस्क्वालीफाई हुई है, तो वो सेफ नहीं है। अब जो 5वां बंदा आएगा, अब वो या तो विक्की भाई होंगे या ईशा का, मुझे लगता नहीं ईशा का समर्थ का ही ज्यादा कुछ, जब तक समर्थ था तब तक ईशा थी, बाकी अभिषेक तो स्टार्टिंग से अकेले खेला है, उनका बॉन्ड अब कोई फायदा भी नहीं है दिखाकर, क्योंकि तुम स्टार्टिंग में लड़ लिए हो, इतना एंड में आके अगर तुम दोबारा बॉन्डिंग दिखाओगे तो तुम स्टूपिड देखोगे नेशनल टेलीविजन पे, है कि नहीं?
एक सवाल ये भी आपका आपसी से कि बिग बॉस 17 के अंदर रियलिटी शो के अंदर पर्सनल मुद्दे लाके आयशा खान का आना कि आपको सही लगा कि हाँ कुछ बाहर की चीजें लाके जिस हिसाब से आयशा खान आई है। यार अगर तुम्हारा पर्सनल मुद्दा है पहली बात तो अगर तुम्हारा जैसे कि आपने सवाल में बोला पर्सनल मुद्दा तो तुम उसको क्लियर आउट नेशनल टेलीविजन पे कैसे कर सकते हो ये बताओ। अगर वो पर्सनल है अगर वो नेशनल टेलीविजन पे तुम आगे कर रही हो तो वो पर्सनल नहीं रहा, तुम अपनी बात अपनी इज्जत खुद ही उछाल रहे हो। अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है, उन्होंने वो खुद ही उछाली है तो उनपे वो अब तुम आसमान में थूकोगे तो चीटे तुम्हारे ऊपर ही गिरेंगी ना। वही हुआ उनके साथ पर्सनल चीजें। अब साथ में वो बेचारी नाजिला जो है वो सीटें रही है, वो बेचारी सफाइयां देती रहती है, उसकी भी शादी होनी है यार, सबकी लड़कियां हैं, लड़कों का तो चलो चल ठीक है, लड़कियों की शादियां होनी है सबकी। अब तुम लड़की हो के उसकी भी बोल बुराइयां कर रही हो, ये हम पर्सनल पर्सनल ऐसे प्राइवेट में बातें करते थे, तुम अपनी भी खराब कर रही हो, उस नाजिला की भी खराब कर रही हो। तो मुझे वो ऐसे लड़की होते हुए लड़की के बारे में ना सोचना, मुझे वो उनका थोड़ा सा बुरा लगा। मैंने कहा वो अपनी बिरादरी के मतलब इन सेंस शी अब लड़की होकर भी नहीं सोच रही है तो मुनव्वर भाई तो बहुत दूर की बात है, वो तो एंड तक जहां तक उनका बस चलेगा वहां तक उनको घसीटेंगे नीचे। भाई स्टार्टिंग से ही है, मुनव्वर भाई स्टार्टिंग से शो में थे तो वो उनको बीच में लाकर लाने का मकसद ही उनको खुद को इंसान को पता होता है यार ये सब चीजों के बारे में कि भाई मैं मुनव्वर की वजह से आ रही हूँ। तो वो सारी बातें वो उन्होंने कैलकुलेट करके जो भी उनके घर में जो भी उनकी बाहर की लड़ाई थी वो उन्होंने घर में आके उनको ऐसा लगा कि वो ठीक कर रही है दुनिया के सामने ढिंढोरा पीट के, तो उनकी चॉइस है, आई कांट हेल्प इट। तो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन हम चाहेंगे कि MKGW आपको बहुत प्यार करते हैं, मुनव्वर की जनता, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा ये मेरे को बताओ ये मुनव्वर की जनता तो MKJ हुआ ना, कि W का क्या मतलब है? वॉरियर भी इसके साथ ऐड करा जाता है तो इस चक्कर में MKJW। मुझे भी कई रिक्वेस्ट आई हुई थी MKJW, मैंने कहा MKJ मतलब मुनव्वर की जनता, W का मतलब क्या हुआ? तो अब आज पता चला कि यार सच में वॉरियर ही है यार वो लोग, वो क्रेजी पागल लोग हैं। और बांग्लादेश से म्यांमार पता नहीं कहां कहां से मुझे टैग आ रहे हैं, इटली से भी टैग आ गया, तो इटली में भी बंदा बैठा हुआ था वहां से भी मेंशन आ रहे हैं मुनव्वर के। तो ट्रॉफी तो घर ही आ रही है, डोंगरी आ रही है इस बार भी। और आप बाकी मेन चीज मैंने अभी आज देखी, मतलब मेरा सिस्टम हैंग हो गया, शाहरुख खान ने भी पोस्ट करा मुनव्वर भाई के बारे में, कैन यू इमेजिन, है कि नहीं? अब ये है कि नहीं मुझे, मैंने अभी मुझे भी नहीं पता है, अभी मुझे भी नहीं पता, मैं बता रहा हूं आप भी चेक करो, उन्होंने डाला है शाहरुख खान ने ट्वीट कर दिया है कि माय फेवरेट इज मुनव्वर 0018, शायद ट्विटर का ईमेल आईडी है उनकी, तो उस पे मेंशन था मुनव्वर 0018। तो वो इंस्टाग्राम पे तो है नहीं इस नाम से, तो वो शायद ट्विटर में ही है, तो ट्विटर पे शाहरुख खान ने मैसेज किया, तो अब तो ट्रॉफी भाई डोंगरी आ रही है, डोंगरी आ रही है। आप अपने फैंस को क्या मैसेज करेंगे जो आपको इतना प्यार करते हैं, जो आपके फैंस हैं? सो मच गाइस, आई लव यू ऑल, और मुनव्वर की जनता भी जिन्होंने मुझे DMs कर करके 15, मैं बताऊं मैं हकीकत में पढ़ ही नहीं पाया, इतने मैसेज आ गए मुझे, वो इतना फ्लड हो गया, मेरे हिडन भी खुलने ही बंद हो गया, वो मतलब 2000-4000 तो मैंने पढ़ने की कोशिश करी ऊपर से जो बहुत अच्छे लगे मैंने पढ़े, मुनव्वर की जनता, शिवम भाई, ये वो कहते अगली बार आप बिग बॉस में आओगे आपको हम वोट करेंगे। मैंने कहा ये हुई ना बात, मैंने कहा भाई का भाई भाई मतलब सारे भाई के भाई है, तो भाई जब मैं भी आऊँ अगली बार तो सारे भाई मुझे भी सपोर्ट करें, ये चीज है। और ठीक है यार, प्यार से चीजें होती है, जो चीज प्यार से हो सकती है ना वो किसी और चीज से नहीं हो सकती, लव इज द मेडिसिन ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल, हमने एक चीज और आपकी देखी है कि आप डॉग को जो खाना पार्क में छुपा के ले जाते हो मैट में, वो बहुत एक है तरीका, मतलब कुछ है कि गार्ड रोकते, बड़ी गहराई तक देखते हो चीजों को, मतलब यार नाइस। अब वो एक्चुअली कहना अभी वो आज की बात है, अभी तो चौकीदार मना करता था, आज वहां पे ना दो आंटियां आ गई, अब हम लोग मेरी वाइफ भी योगा करती है वहां पे जाके पार्क में, तो मैं तो भाग रहा था तो मैंने देखा कोई दो लेडीज आई है, मेरी बहन मेरी वाइफ को कुछ बोल रही है, मैं फटाफट गया, मैं क्या बोल रही है, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि हम लोगों को ना, हम डॉग लवर्स हैं, हम लोगों को ना आदत हो चुकी है, हम लोग जहां भी खाना डालते हैं ना हम वहां पे कोई ना कोई कोई ऊपर बुड्ढा खड़ा होगा, कोई वहां पे आंटी एक पैर कवर में है एक पैर घर में है, वो लोग खुद तो जिंदगी उनकी अधूरी हो गई है, वो दूसरे बेचारों जो बेजुबान है उनको भी खाना नहीं डालने देते, उसे बहुत नफरत हो गई है मुझे आजकल, क्योंकि जहां पर भी जाऊं बेचारे बच्चे पिल्ले ठंड का मौसम में सो रहे होते हैं, बुड्ढा कोई बैठा होगा सर खुजा रहा है और पानी डाल रहा है, मैंने कहा यार अंकल यार, मैंने मन में सोचा कुछ तो बुजुर्ग आदमी क्या ही बोले हैं बुजुर्ग आदमी को, मैंने कहा यार तू मतलब तुम इतने बूढ़े हो गए तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया जीवन, इतनी ठंड है तुम्हें कोई पानी मार दे बाल्टी भी तुम्हारे ऊपर डब्बा डाल दे पानी का ठंड में तो तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी,
तुम वहां पे कुत्ता बैठा पानी तुम गीला कर रहे हो जानबूझ के ताकि कुत्ते ना बैठे हो तुम्हारे घर के पास। ऐसा तो यार ऐसे इंसान भी है दुनिया में देखो। तो मैं पक्षियों को भी खिलाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डिंगे आंक रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ ही, मैं स्टोरी पे इसलिए डालता हूँ क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर, अगर लोग ऐसे आजकल चीजों के इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं तो मैं प्रकृति का इन्फ्लुएंसर हूँ। प्रकृति को मैं क्या इन्फ्लुएंस करूंगा, बस इंसान अपने आप में खुद को होश थोड़ा होशो आवास में जीना शुरू कर देना तो ये सब चीजें बेसिक है। पक्षियों का खाना डाल दो, ये जाए दे दो यार। बिल्कुल भाई का हमारे चैनल है, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिए। और इन्होंने इतने मतलब जो इनके सवाल थे बहुत ही प्यारे सवाल थे, इतने मुझे तो पहले लगा कि भाई कुछ डीप सवाल पूछेगा ये होगा, बट एकदम आपके सवाल भी नॉर्मल थे। और प्लीज ये बढ़िया इंसान है, मैंने इनका अभी यूट्यूब का जो चैनल है अभी मैंने पढ़ लिया, पीछे से लिखा आ रहा है रंगरेज, तो अब मैं जाके मैं खुद ही सब्सक्राइब करने वाला हूँ इनको। तो प्लीज मेरी जनता आप भी आइए और भाई को सपोर्ट करिए, काफी रहिए तो ऐसे प्यार बनाए रखे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, नमस्कार मेरी जान, थैंक यू सो मच।